नमस्कार दोस्तों, आपको हम आज बताने वाले हैं कि ट्यूब के सहारे कैसे तैरना है। यदि आप तैरने नहीं जानते हैं यानी कि शुरुआती तौर पर तैरने आए हुए हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ट्यूब का सहारा लेके आप आसानी पूर्वक तैर सकते हैं। डोंट माइंड, ये अभी माँ दुर्गा का पाठ चल रहा है, बगल में ही माँ दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा का पाठ चल रहा है, वो आवाज़ आ रहा होगा, तो डोंट माइंड। यदि तैरने सीखना है तो माँ दुर्गा के पाठ के साथ साथ तैरना भी सीखिए। चलिए, क्या करना है पहले। शुरुआती तौर पर तैरने आए हुए हैं तो अपने एक कोच के सहारे आना है, यानी कि एक ऐसे आदमी को लेकर आना है जिसको तैरने आता हो। यदि बाई चांस आप अनबैलेंस हो जाए, पानी में अनबैलेंस होने के बाद आप जानते हैं ये क्या होता है, यदि आप अनबैलेंस हो जाए तो थोड़ा बहुत वो हेल्प कर पाए और आपको निकालने का प्रयास कर पाए। एक दूसरा, अधिक पानी में कभी भी नहीं जाना है। आप देख सकते हैं इतना है, हम चेस्ट भरी पानी में तैरने सिखाएंगे और तैर के दिखाएंगे, और तैरने आप भी सीखिएगा पानी में, कम पानी में घुस के, मतलब कि चेस्ट भर पानी में जाके, और ट्यूब के सहारे सिखाएंगे। सबसे पहले हम ट्यूब को साइड में रखते हैं और हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैर चला के दिखाते हैं, उसके बाद सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए हाथ चलाने सीख लेते हैं। हाथ चलाने के लिए कोई टेक्निक, कोई वो दिमाग नहीं लगाना है, हाथ केवल इस प्रकार चलाना है, ऐसे ऐसे। ये आपको लग रहा होगा आसान बात, लेकिन आसान बात नहीं है। जो दिखता है आसान वो आसान होता नहीं है, जो करता है वही जानता है कि कितना मेहनत लगता है। ये हो गया हाथ चलाने की प्रक्रिया। अब आपको दिखाते हैं कि पैर किस प्रकार से चलाना है। और सबसे मेन जो बात है, हाथ और पैर का दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जब आपका हाथ पैर एक साथ चलने लगेगा, कम्युनिकेशन होने लगेगा, तब बिल्कुल आप तैरने सीख जाइएगा। और यही अभ्यास करने में, कम्युनिकेशन जुटाने में बहुत दिन लग जाता है, यानी कि 7 से 8 दिन लग जाएगा। आदि आप 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो हाथ आपने चलाने सीख लिया। फिर से चलो दिखा देते हैं इस प्रकार से हाथ चलाना है। आपने न्यूटन का लॉ देखा होगा, जिस गति से आप किसी चीज को पीछे फेंकते हैं उसी गति से आप आगे आते हैं। जितना स्पीड आप हाथ चलाइएगा उतना आगे बढ़िएगा। यहाँ पानी खाली होगा, पीछे की ओर भरेगा और आप आगे की ओर बढ़िएगा। इसी सिद्धांत पर हम भी स्विमिंग करते हैं और सिखाते भी हैं, इसी प्रकार करना। चलिए पैर दिखाते हैं, पैर इस प्रकार से चलाना। आज के युग में लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, साइकिल अच्छे से चलाने सब जानता है। 99.99% लोग साइकिल चलाने जानते हैं। जिस प्रकार से आप लोग साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार से पैर चलाना है, और हाथ आपको हम दिखा ही देंगे किस प्रकार से चलाना है। जब हाथ और पैर बारी बारी से चलाने आपको आ जाए, उसके बाद क्या करना है कि हाथ और पैर दोनों एक साथ चलाना है। जैसे ही आप हाथ और पैर एक साथ चलाने का अभ्यास शुरू कर दीजिएगा, तैरने आपको आ गया, आप 50% तैरने सीख गए, यानी कि आप आसानी पूर्वक पानी में जाते जाते हैं, तैरते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि आपका हाथ चलेगा तो पैर रुक जाएगा, पैर चलेगा तो हाथ रुक जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ट्यूब लगाना है, ऐसे कमर पे ट्यूब रखना है यहाँ पे, और ऐसे सो जाना। हम दिखाते हैं कि बिना हाथ पैर चलाए भी सो सकते हैं। देखिए बजरंग बली तरह उड़ रहे हैं, देखिए। तो इसी प्रकार से आपको बिना हाथ पैर चलाए और तैरना है सर। आपको अभ्यास करना है ये कम से कम 3 से 4 दिन डेली, 1 घंटा बिना हाथ पैर चलाए ट्यूब पे सो सकते हैं आप। लेकिन हाथ पैर चलाते रहेगा तो आगे की ओर बढ़िएगा और तैरिएगा। इसी प्रकार से अभ्यास करना है, धीरे धीरे अभ्यास करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते सीख जाइएगा। चाणक्य क्या कहना था कि कोई भी चीज का अति वर्जित है वो शिक्षा का क्यों नहीं हो। अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से कैसे कैसे क्या करना है वो समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद लगातार अभ्यास कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए।